तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वुडवर्ड फिशर रूल, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स, जिसको आप एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम बोलते हो इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो वुडवर्ड ने पहले ये रूल दिए थे, उसको मॉडिफाइड किया था फिशर ने, तो इसलिए बोलते हैं वुडवर्ड फिशर रूल। इनका यूज़ क्या है? फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स, ठीक है, फॉर डाइन्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई वुडवर्ड फिशर रूल क्या है आखिरकार। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड लैम्डा मैक्स इन डाइन्स। किसी भी डाइन्स के अंदर, किसी भी डाइन्स की लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए जो फिशर ने रूल वुडवर्ड फिशर ने रूल दे रखे हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि होते क्या हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई सा भी कंपाउंड दिया होगा भाई, उसके लिए लैम्डा मैक्स निकालना है, तो पहले आप क्या करो कि इन तीनों में से उस कंपाउंड के अंदर ढूंढो कि इन ब्यूटाडाइन सिस्टम है या होमो एनुलर है या हेट्रो एनुलर है। इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, ब्यूटाडाइन के लिए 270 नैनोमीटर दे रखी है, होमो एनुलर के लिए 253 दे रखी है, ठीक है, ऐसे ही हेट्रो एनुलर के लिए 215 नैनोमीटर दे रखा है। इनको पहचानने के बाद आपने क्या करना है, अगर उनमें कोई अल्काइल सब्सटूएंट है तो +5 ऐड करो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर ऐड करो, और डबल बॉन्ड है जो एक्सटेंड कर रहा हो कंजुगेशन को तो 30 nm नैनोमीटर्स में ऐड करना है हमको, ठीक है, इन बेसिक वैल्यूज़ में। और उसके बाद कोई ऑक्जो क्रोम है तो OR के लिए 6 नैनोमीटर, SR के लिए 30 नैनोमीटर, क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए 5 नैनोमीटर ऐड करना पड़ेगा, और NR2 है तो वहाँ पर कोई ऑक्जो क्रोम 60 nm नैनोमीटर यूज़ करना पड़ेगा, और ये है OCO CH3 है तो इसके लिए 0 नैनोमीटर। ठीक है, इनके लिए कोई बेसिक वैल्यूज़ है नहीं। तो देखते हैं हम लोग पहले इनको पहचानते हैं, ब्यूटाडाइन होमोएनुलर या हेट्रोएनुलर कंजुगेटेड डाइन को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, सबसे पहले ब्यूटाडाइन है तो आपको पता है ब्यूटाडाइन, जैसे ये वाला सिस्टम अगर मैं एग्जांपल दिया है तो ये आपको पहचानो सबसे पहले। अगर आपको इसका लैम्डा मैक्स निकालना है तो सबसे पहले पहचानो भाई ये ब्यूटाडाइन है या होमोएनुलर है या हेट्रोएनुलर है। तो ये ब्यूटाडाइन सिस्टम आपको दिख भी रहा होगा, 1, 2, 3, 4, 1 पर भी डबल बॉन्ड और 3 पर भी डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है, तो इसके लिए हमको बेसिक वैल्यू पता चल गई कितनी होगी, 217 नैनोमीटर होगी। क्या होगी? 217 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसे अगर इसको देखें तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है जो कंजुगेशन में, डबल सिंगल डबल, ये एक ही रिंग के अंदर है तो इसको बोलेंगे होमो एनुलर कंजुगेट डाइन, और इसके लिए जो बेसिक वैल्यू होती है वो होती है 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो डबल बॉन्ड है जो कंजुगेशन में है, ये डिफरेंट डिफरेंट रिंग में है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो उसके लिए जो उसको बोलते हैं हेट्रो एनुलर कंजुगेट डायन, इसके लिए जो लेमडा मैक्स है वो 215, किसी बुक में 214 भी दिया होता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हो, ये भी हेट्रो ही है क्योंकि एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और दोनों कंजुगेशन में है, तो 215 नैनोमीटर। उसके बाद इसको देखो, इसमें भी क्या है, इसमें भी सेम वही है होमो एनुलर, तो 215। ठीक है, और यहाँ पर भी होमो एनुलर आप बोल सकते हो, अगर होमो है और हेट्रो भी आपको लग रहा है तो होमो की वैल्यू रखते हैं, तो 215 यहाँ पर, सॉरी 253 यहाँ पर भी, 253 बेसिक वैल्यू यहाँ पर भी। ठीक है, ये वाला कौन सा सिस्टम है, ये भी देखो ब्यूटाडाइन जैसा सिस्टम लग रहा है, डबल सिंगल डबल 1, 2, 3, तो ये भी क्या है, ब्यूटाडाइन सिस्टम है, तो इसके लिए भी बेसिक वैल्यू क्या होगी, 217 होगी। ठीक है, ये क्या है, फिर से होमो एनुलर है। देखो मैंने क्या बोला आपको, आपको अगर इन दोनों को हेट्रो लग रहा है तो ये होमो एनुलर है, होमो भी है और इन दोनों को देखा जाए तो हेट्रो भी है, तो जो प्रेफरेंस मिलती है वो होमो को मिलती है, तो 253 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर बेसिक। और यहाँ पर क्या है, फिर से ब्यूटाडाइन सिस्टम है, 1, 2, 3, 4, तो इसके लिए 217 बेसिक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं, अगर आपको पता चल गया कि ये है होमो एनुलर, ये हेट्रो, ये भी हेट्रो, ये होमो, ये होमो, ये भी होमो, ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है, ये भी ब्यूटाडाइन सिस्टम है, ठीक है, इसके लिए ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद ये आपको पहचानने के बाद अब यहाँ देखते हैं एल्काइल सब्सटूएंट क्या होता है और रिंग रेसिड्यू क्या होता है। ठीक है, तो एल्काइल सब्सटूएंट क्या है, भाई डबल बॉन्ड के साथ कोई एल्काइल ग्रुप तो नहीं जुड़ा है, जैसे यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक एल्काइल ग्रुप है और यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ एक एल्काइल ग्रुप, तो दो दो एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी बेसिक वैल्यू क्या थी, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 2 2 कितनी थी, 217 नैनोमीटर, क्योंकि ब्यूटाडाइन सिस्टम है, +2 एल्काइल रेसिड्यू, दो एल्काइल है तो एक के लिए 5 ऐड करना है, तो दो के लिए कितना ऐड करेंगे, 10, दो के लिए कितना, 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 227 नैनोमीटर,
तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी 227 नैनोमीटर आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो देखो 253 तो इसका बेसिक वैल्यू है क्योंकि है ये होमोन्युलर है। ठीक है, उसके बाद इसमें रिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा। रिंग रेशियो क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड के साथ लगे हुए रिंग के भाग, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ एक ये वाला भाग लगा हुआ है, एक ये वाला भाग लगा हुआ है और यहाँ पर भी भाग लगा हुआ है, और इसको भाग मत समझना क्योंकि ये कंजुगेशन में है। ठीक है, तो एक रिंग रेशियो यहाँ पर, एक रिंग रेशियो यहाँ पर, एक रिंग रेशियो यहाँ पर, कहने का मतलब कि अगर ये वाला भाग काट दिया जाए, ये वाला भाग काट दिया जाए और ये वाला भाग काट दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, ब्यूटाडाइन सिस्टम मिलेगा, अलग से डाइन सिस्टम मिलेगा। तो तीन रिंग रेशियो हैं, तो एक रिंग रेशियो के लिए 5 जोड़ना पड़ता है, ये है। तो तीन के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 ऐड करो इसमें, तो 253 + 15। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है भाई, जो रिंग के जस्ट बाहर में अटैच होता है, ये होता है एक्सोसाइक्लिक। तो इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये है। ठीक है, तो इसके लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए कितना जोड़ते हैं, 5। तो इसमें 5 ऐड कर दो, 5 ऐड करने के बाद कितना होगा, तो लेमडा मैक्स की वैल्यू 273 नैनोमीटर, इस सिस्टम के लिए लेमडा मैक्स 273 नैनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर सेम आपको पता है ये हेट्रो एनुलर है क्योंकि डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में और कंजुगेशन में है। हेट्रो एनुलर में बेसिक वैल्यू की आपको पता है 215 नैनोमीटर ऐड कर दिया। उसके बाद देखो रिंग रेसिड्यू ढूंढो भाई, एक ये रिंग रेसिड्यू है, एक ये रिंग रेसिड्यू और एक रिंग रेसिड्यू ये हो गया। ठीक है, तो कितना, एक रिंग रेसिड्यू के लिए 5 जोड़ रहे हो तो तीन के लिए 15 जोड़ना पड़ेगा प्लस। अब देखो इस रिंग के जस्ट बाहर ये वाला डबल बॉन्ड है तो एक्सटेंड, ये क्या है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है इसके लिए, ये वाला, तो 15 ऐड कर दो तो फिर कितना आ जाएगा, ये 215, 2 कितना आएगा, 235 नैनोमीटर। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड इसके लिए एक्सोसाइक्लिक नहीं है क्योंकि इसके साथ अटैच नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर से मैं फिर से हेट्रो एनुलर आ गया तो 215 ऐड कर दिया, और रिंग रेसिड्यू ढूंढ दो, 1, 2, 3। ठीक है, और 1 है 4, तो 4 रिंग रेसिड्यू हो गए, और इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो क्योंकि इस रिंग के साथ जस्ट बाहर में अटैच है, तो बाहर डबल बॉन्ड होता है रिंग के साथ, उसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक। तो कितना हो गया, 20 हमने रिंग रेसिड्यू के जोड़ दिए प्लस 5 एक्सोसाइक्लिक के जोड़ दिए, तो कितना आया, 240 नैनोमीटर। ऐसे निकालेंगे हम। ठीक है, इसके लिए देखते हैं फिर से होमो एनुलर है, होमो एनुलर में कितना बेसिक वैल्यू, 253 नैनोमीटर। यहाँ से बेसिक वैल्यू 1 लेने के बाद यहाँ आओ, एल्काइल सब्सटेंट है नहीं पर रिंग रेसिड्यू हो सकता है इसके अंदर, तो इसके अंदर रिंग रेसिड्यू है तो कौन सा, एक ये है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, और एक ये है, रिंग रेसिड्यू इतने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 20 जोड़ना पड़ेगा, एक के लिए 5 जोड़ेंगे। और इसके लिए देखो अब क्या है कि ये हो गया, तो अब क्या है देखो थोड़ा समझना पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड जो डबल सिंगल डबल, ये डाइन के साथ एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो कंजुगेशन को बढ़ा रहा है, तो एक्सटेंड कंजुगेशन कर रहा है, तो उसके लिए 30 जोड़ना पड़ता है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, तो कितना जोड़ेंगे, 30। ठीक है, 30 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 273, 303 नैनोमीटर, 303 नैनोमीटर। ठीक है, और तो सब सही है, फिर से ये होमो एनुलर आ गया तो 253 नैनोमीटर प्लस रिंग रेशियो जो ढूंढो अभी, एल्काइल सब्सटेंट तो है नहीं, रिंग रेशियो एक ही होगा, एक ही होगा, और कहाँ, एक ही होगा और एक ही होगा। ठीक है, तो रिंग रेशियो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 के लिए 20 जोड़ना पड़ेगा, एक के लिए 5 जोड़ना पड़ता है, 4 के लिए 20 जोड़ना पड़ेगा प्लस। अब देखो इसके लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये है, इस रिंग के लिए जस्ट ये बाहर जुड़ा हुआ है तो 5 इसके लिए जोड़ने पड़ेंगे, और इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक ये है तो इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 इसके लिए भी 5 जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए 5, तो कितना, 10 ऐड कर दो। अब इसमें देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को, देखो कैसे, ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में पहले थे तो उसके बाद ये भी जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कंजुगेशन बढ़ा रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन बढ़ा रहा है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड इसके साथ, तो दो डबल बॉन्ड ऐसे जो कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक के लिए 30 जोड़ना पड़ता है, तो 2 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, इसके और इसके लिए 60। ठीक है, तो ऐसे ही ऐड कर देंगे इसको, 70 हो गया, 70, 90, तो
कितना हो गया, अब इसको आप ऐड कर लो, ठीक है, कितना 273 प्लस कितना 273 हो गया, प्लस कितना 70, तो कितना हो गया 343 नैनोमीटर हो गया इसका लैम्डा मैक्स, ठीक है। अब इसके लिए तो आपको पता अभी निकाला है, फिर से होमो एनुलर आ गया था, तो 253 होमो एनुलर करिए प्लस, अब यहाँ से बेसिक वैल्यू लेने के बाद इसमें से देखो, तो एक रिंग रेसिडियो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो रिंग रेसिडियो 4 हैं। और देखो ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, इसके साथ ये डबल बॉन्ड जो है कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, तो 30 इसके लिए भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसके जस्ट बाहर है, ठीक है, और इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो गया 293, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, ये भी सेम ब्यूटाडाइन सिस्टम है, 217 ऐड करो प्लस उसके बाद क्या करना है, रिंग रेसिड्यू 1 2, तो 10 ऐड करो, ठीक है। और इसके लिए कितने एक्सोसाइक्लिक, 1 2, तो 2 एक्सोसाइक्लिक हैं तो 10 जोड़ना पड़ेगा। और एक इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन के लिए करेक्शन होता है 15, तो ये हो गया 252 नैनोमीटर। तो ऐसे हम किसी भी सिस्टम के लिए लेमडा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, और